दोस्तों आज थर्ड पार्ट होने वाला है एंड्रॉइड ऐप मेकिंग का। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपनी एंड्रॉइड ऐप बनाकर किस तरीके से उसको गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, गूगल प्ले स्टोर के अलावा आप कहाँ कहाँ पब्लिश कर सकते हैं ये भी बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपने लास्ट के दो पार्ट नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि एंड्रॉइड ऐप को बनाने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, और दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया है कि विदाउट कोडिंग आप किस तरीके से कौन कौन सी वेबसाइट का यूज करके अपनी खुद की ऐप बना सकते हैं। तो अगर आपने वो दो वीडियोज नहीं देखे हैं तो पहले कि उन दो वीडियोस को देख ले, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे उन दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आने वाला, तो उन वीडियोस को एक बार जाके देख जरूर ले, राइट। तो आई बिलीव कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसने उन दोनों पार्ट्स को देख लिया है, क्योंकि मैं आपको थर्ड पार्ट उसके आगे से ये कंटिन्यूएशन में ये वीडियो होने वाला है, राइट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं एंड्रॉइड ऐप को बनाने के बाद उसको पब्लिश कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, मोनेटाइज कैसे करना है। देखिए ये तीन जो है डिफरेंट प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ऐप बनाने से कुछ नहीं होता, ऐप बनाने के बाद उसको मोनेटाइज करना, उसको पब्लिश करना और उसकी मार्केटिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई बिलीव कि आप सबने अपनी एक ऐप बना ली है, राइट। तो ऐप बनाने के बाद आपको उसको पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिश करने के बाद आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, यानी कि एडमोब वगैरह से लिंक कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको ऐप की मार्केटिंग करना शुरू करना है। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए अगर आपको ऐप को पब्लिश करना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे आप पब्लिश कर सकते हैं, जिसका आपको चार्ज लगेगा, आपको $25 पे करने पड़ेंगे अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे अपनी ऐप पब्लिश करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको गूगल डेवलपर कंसोल पे जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और $25 पे करने पड़ेंगे, जो कि मैंने किए हैं, अभी आपको लाइव मैं प्रोसेस पे दिखाऊंगा, राइट। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते $25, तो आप जो है अमेजोन ऐप स्टोर पे अपनी ऐप को पब्लिश कर सकते हैं, एप्टॉइड में कर सकते हैं, स्लाइड मी में कर सकते हैं, गेट जार में कर सकते हैं। ये चार ऐसे मार्केट है जहां पे आपको पब्लिश करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको कंपटीशन तो कम मिल जाएगा, बट यहाँ पे ट्रैफिक नहीं आता, क्योंकि 95% लोग जो है प्ले स्टोर से अपनी एप्स को डाउनलोड करते हैं। तो आई बिलीव कि अगर आप अपनी ऐप को इन चार जगहों पे पब्लिश भी कर लेते हैं तो आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पे एक ऑफर भी चल रहा है ऐप गीजर वालों का, अगर आप 15 ऐप्स को पब्लिश कर लेते हैं गूगल प्ले स्टोर पे तो आपको 30 दिनों के अंदर $25 की कमाई हो जाती है, ऐसा इन्होंने लिखा है। मतलब मनी बैक गारंटी है आपकी। अगर आप 15 ऐप पब्लिश करने के बाद 30 दिनों तक आपकी $25 कमाई नहीं होती तो ये आपका गूगल डेवलपर अकाउंट जो है खरीद लेंगे आपसे $30 में। तो टेक्निकली आपको $25 एक बार खर्च करने पड़ेंगे, जो मेरे ख्याल से कोई बड़ा अमाउंट नहीं है अगर आप इसको एज अ पार्ट टाइम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार $25 दे देते हैं तो आपको अनलिमिटेड ऐप पब्लिश करने की अथॉरिटी मिल जाती है गूगल वालों की तरफ से, राइट। तो खैर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हैं या फिर आप जो है बाकी के ऐप मार्केट्स में पब्लिश करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, लाइव डेमो कंप्लीट दिखा देता हूँ। दोस्तों आ चुके हैं ऐप गीजर के अपने डैशबोर्ड पे, यहाँ पे हमने ये ऐप बनाई है उसको ही हम पब्लिश करेंगे। बेसिकली मैंने एक ब्राउजर बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिश का आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। पब्लिश के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको बेसिकली जो जो स्टेप्स आपसे फॉलो करवाने को ये कह रहा है वो कर देना है। तो हमने पहला ज्वाइन जो है गिव अवे कर दिया है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे जो भी इनकी पॉलिसीज है इन सारे ऑप्शंस को टिक करके आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है इमेज अपलोड करनी है। बेसिकली मेरी ये इमेज अपलोड इसलिए हुई भी है क्योंकि मैंने ये इमेजेस जो है जब मैंने ऐप बनाई थी तभी अपलोड कर दी थी, तो अगर आपने तब अपलोड नहीं की होगी तो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि जो भी इमेज अपलोड करेंगे वो उसी साइज में हो जिस साइज में आपसे मांगी गई है। उसके बाद ये जो हमारा फोर्थ स्टेप है जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा लिखा हुआ है मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इस आइकन पे क्लिक करके अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो भी आपने ऐप बनाई है। तो आपकी जो डाउनलोड ऐप होगी वो एपीके के एक्सटेंशन में होगी। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हम आ चुके हैं, अब डेवलपर अकाउंट को जो बनाने के लिए बता रहा है और ये भी बता रहा है कि $25 रजिस्ट्रेशन फीस है, तो यहाँ पे आपको $25 पे करने पड़ेंगे। तो मैं आपको लाइव अकाउंट बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है डेवलपर अकाउंट बनाया जाता है। विजिट पे मैंने क्लिक किया, मैं डेवलपर अकाउंट पे आ गया डेवलपर कंसोल पे। यहाँ पे देखिए आपको नीचे एक चेक मार्क पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू पेमेंट कर देना है। पेमेंट कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे हमारी पेमेंट कंप्लीट हो गया। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करता हूँ,
तो हम आ चुके हैं अपने डेवलपर कंसोल अकाउंट पे। यहाँ पे डेवलपर नेम मांग रहा है, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अपना ईमेल एड्रेस और अपना फोन नंबर वगैरह लिख लेता हूँ। उसके बाद नीचे जो दो ऑप्शन देंगे ईमेल प्रेफरेंस में, ये आपकी मर्जी है आपको क्लिक करना है नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। राइट, उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद जो है मैं इस अपने अकाउंट पे आ गया। तो अब हम चलते हैं अपने AppGeezer के अकाउंट पे। बेसिकली आपको हम 6 स्टेप पे थे, तो आई हैव एन अकाउंट पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम 7 स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली अपनी ऐप को जो भी आपने डाउनलोड की थी उसको टेस्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस ऐप जो भी आपने ऐप को डाउनलोड किया था, जो भी आपने बनाया है, उसको अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करके टेस्ट कर ले कि जो ऐप है सही से वर्क कर रही नहीं कर रही। अगर आप चेक करने के बाद नीचे जाके आई हैव टेस्टेड ऐप में कर सकते हैं, मतलब आपने चेक कर लिया। अब आपको अपनी ऐप को पब्लिश करना है गूगल प्ले पे, और गूगल प्ले पे आप जो पब्लिश है डेवलपर कंसोल अकाउंट से ही कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ जो जो भी स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं अपने गूगल डेवलपर कंसोल अकाउंट में। तो मैं सेम स्टेप फॉलो कर रहा हूँ जो जो भी यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं। तो स्टेप 1 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको ऑल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे आपकी एप्लीकेशन का टाइटल पूछ रहा है, तो हमारी जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी वो थी इंडी ब्राउजर, तो मैंने इंडी ब्राउजर नाम लिख दिया और मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। राइट, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, तो ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मांग रहा है आपको बेसिकली AppGeezer पे अपने जो भी हमने करा था सारा AppGeezer पे आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आप देख रहे हैं कि हमने ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है अपलोड किया था ऐप बनाते समय, तो आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देना है डेवलपर कंसोल पे। ऐसे ही जो जो भी स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने को गए हैं वो आपको गूगल डेवलपर कंसोल पे करने हैं। तो अब हम जो है फुल डिस्क्रिप्शन हमने वहां से AppGeezer से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने सेव ड्राफ्ट कर दिया। राइट, अब हम नीचे आएंगे दोस्तों, और नीचे आने के बाद दोस्तों ये और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहा है, जैसे कि अभी ये स्क्रीनशॉट वगैरह मांग रहा है जो भी हमने अपलोड किए थे जब हमने एप्लीकेशन को बनाया था। तो बेसिकली आपको वही स्क्रीनशॉट जो आपने यहाँ पे AppGeezer पे अपलोड किए थे उन्हीं को जो है डाउनलोड करके गूगल डेवलपर कंसोल पे जो है अपलोड कर देना है। तो मैं जो है वही सारा स्टेप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आइकन वगैरह का ध्यान रखें कि जिस आपसे डायमेंशन में मांगा हो उसी डायमेंशन पे आपके आइकन होने चाहिए, वरना जो अपलोड नहीं होंगे, तो इस चीज का ध्यान में रखना है। सारी चीजें लिखी हुई है नीचे आप लोगों को। तो बेसिकली मैंने ये जो सारी अपनी इमेजेस वगैरह है वो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है नीचे आइकन वगैरह भी अपलोड करने हैं, और एक बड़ी फोटो भी है, फीचर ग्राफिक वाली फोटो भी, वो भी अपलोड करनी है। तो वो सारी फोटोज भी अपलोड कर देते हैं बेसिकली। तो हमने अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं हमारी जो आइकन है वो अपलोड हो चुका है। ये कंपलसरी नहीं है प्रोमो ग्राफिक, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए ये सारा स्टेप करने के बाद हम जाएंगे नीचे कैटेगराइजेशन पे, आपकी एप्लीकेशन गेम है या फिर एप्लीकेशन है। तो मेरा ब्राउजर है जो कि एक एप्लीकेशन ही कहलाता है। अब मुझे अपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि ये जो है एप्लीकेशन कौन सी कैटेगरी की है। तो ब्राउजर को आप एज अ टूल कह सकते हो, तो हमने टूल पे सिलेक्ट कर दिया। जो भी आपकी एप्लीकेशन की कैटेगरी है उस हिसाब से आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। गेम्स हो तो गेम्स को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये कैटेगरी वगैरह इंपॉर्टेंट है, टिक करना। राइट, तो नीचे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह पूछेंगे जो भी आपका फिल होगा ऑटोमेटिकली। राइट, अगर आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ नीचे प्राइवेसी पॉलिसी में एक जो है लिंक मांग रहा है, तो प्राइवेसी पॉलिसी में आप लोगों ने स्टेप 7 में आप देख सकते हैं कि AppGeezer वालों का आप लोगों ने जो लिंक है ये यहाँ से AppGeezer के डैशबोर्ड से कॉपी करके गूगल डेवलपर कंसोल में जाके पेस्ट कर देना है। राइट, तो यहाँ पे मैंने जो है उस लिंक को पेस्ट कर दिया है। तो एक बार जाके दोस्तों ऊपर से नीचे जितनी भी आप लोगों ने अभी इन्फॉर्मेशन जो फिल करी है उसको एक बार चेक कर ले। चेक करने के बाद सेव ड्राफ्ट कर ले, उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप होगा। सेव ड्राफ्ट होने के बाद जो हमारी एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। राइट, अब हमारा काम है अपनी ऐप को अपलोड करना। राइट, ऐप के बारे में हमने सब चीजें बता दी है, अब हम ऐप को अपलोड करते हैं। ऐप को अपलोड करने के लिए आपको ऐप रिलीज में जाना है। ऐप रिलीज में जाके प्रोडक्शन में मैनेज जो लिखा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहां पे क्रिएट रिलीज करके ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट रिलीज पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब उसके बाद ऑप्ट आउट पे आप लोगों को करके कंफर्म कर देना है। राइट, यहाँ पे आप जो लिखा है पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को कंफर्म कर देना है। यहाँ पे देखिए आपसे APK फाइल जो है अपलोड करने को कह रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को वही APK फाइल अपलोड करनी है जो कि हमने शुरू में सबसे डाउनलोड की थी। राइट, तो हम जो है उस APK फाइल को ढूंढ के अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे स्टेप 14 में आ चुके हैं हम, तो हमने जो है उस APK फाइल को अपलोड कर दिया है। ये देखिए अपलोड हो रही है आपके सामने। तो उस अपलोड होने के बाद दोस्तों आपको नीचे सबसे जाके रिलीज कर देना है, मतलब आपकी जो है ऐप है वो अपलोड हो चुकी है। आपको रिव्यू कर देना है, रिव्यू करने के बाद आपकी जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड हो चुकी है। क्योंकि हमारा अकाउंट नया है तो हमको 48 आवर्स लग जाएंगे रिव्यू होने में, तो ये हमारी जो ऐप है वो 48 आवर्स के बाद रिफ्लेक्ट होगी। तो उसको करने के बाद आपको
जो भी ऐप की, तो मोनेटाइजेशन किस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूँ। मोनेटाइजेशन पे आके आपको एड मॉब पे क्लिक करना है, क्योंकि एड मॉब पे यहाँ पे दो आईडी मांग रहा है, स्मॉल आईडी और इंडस्ट्रियल आईडी। तो आपको एड मॉब का अकाउंट जो है अपना ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने अपना एड मॉब का अकाउंट जो है ओपन कर लिया है। साइन अप आपको बेसिकली उसी ईमेल से करना है जिस जीमेल आईडी से आपने अपना गूगल डेवलपर कंसोल बनाया था, राइट। दोनों आईडी सेम होनी चाहिए। तो यहां से हमने कर लिया है, यहाँ पे हम ऐप पे क्लिक करते हैं, एड ऐप पे हम क्लिक करेंगे मोनेटाइज के लिए। हमने यहाँ पे ऐड ऐप पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है कि क्या आपने अपनी गूगल प्ले स्टोर पे ऐप पब्लिश की है। तो हमने ऐप तो पब्लिश कर दिया पर वो भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, राइट। तो जब आपकी ऐप रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वहां पे आपको दोनों आईडी एडमॉब से जाके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, राइट। तब तक हम इनेबल बैनर एडवर्टाइजमेंट करके आपको सेव कर देना है, राइट। तो ये स्टेप होता है, इस तरीके से आप अपनी ऐप को मोनेटाइज कर सकते हैं। अब आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ऐप को पब्लिश भी कर लिया और उसको मोनेटाइज भी कर लिया है, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि हमारा डेवलपर अकाउंट नया है, मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, तो इसमें 48 घंटे करीबन लग जाते हैं अप्रूवल होने के लिए। अप्रूवल होने के बाद आपकी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, उसके बाद आप अपनी ऐप को मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज कैसे करना है मैंने अभी आपको दिखाया है, एडमॉब पे जाके ऐड ऐप करना है। ऐड ऐप पे करके आपको अपनी ऐप को सर्च करके वहां पे लिस्ट कर देना है, फिर वहां पे आपको दो आईडी रिफ्लेक्ट करेगी, उन दोनों आईडीज को आपको अपने ऐप गीजर अकाउंट पे जाके पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आप जो है अपनी ऐप को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये दो स्टेप तो हमारे पास हो गए कि हमने अपनी ऐप को पब्लिश कर लिया और मोनेटाइज कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मार्केटिंग का, क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो एक अच्छा खासा बना लिया है, अब उसकी मार्केटिंग कैसे करें। मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं मार्केटिंग के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो पेड मार्केटिंग और एक अनपेड मार्केटिंग। अनपेड मार्केटिंग कैसे होती है सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। मान लो आपका फेसबुक पेज है, आपका इंस्टाग्राम पेज है, आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मतलब आप अपने तरीके से फ्री में जितना शेयर करना चाहे अपनी ऐप को शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को खुद बताएं कि आपने ये ऐप बनाई है और वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली जितना ज्यादा लोग आपकी ऐप को डाउनलोड करते हैं उतना ज्यादा उस पर एड शो होते हैं, जितना ज्यादा लोग आपकी ऐप पे टाइम स्पेंड करते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा होता है, राइट। तो यहाँ पे जो फायदा होता है यानी कि आपकी जो कमाई होती है वो एडवर्टाइजमेंट से होती है, और कमाई तब ज्यादा होगी जब ज्यादा लोग आपकी ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो पहला तरीका तो ये था कि भाई आप जो है अनपेड मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये तो थी अनपेड मार्केटिंग। अब बात करते हैं कि पेड मार्केटिंग क्या होती है। अगर आपको लगता है कि भाई आपके फॉलोवर्स वगैरह इतने नहीं है तो आप पेड मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं। जैसे आप अपनी ऐप का जो एडवर्टाइजमेंट है गूगल पे शो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी ऐप की पेड मार्केटिंग फेसबुक के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है एप्लीकेशन वगैरह की या वेबसाइट वगैरह की, तो इससे डेडिकेटेड वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर लेना, उन वीडियोज में मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है कि किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है गूगल और फेसबुक को यूज करके, राइट। तो वो सारी चीजें दोस्तों आपको उन वीडियोस को देखने के बाद पता लग जाएगा। तो मैं आपको बता दूं मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मार्केटिंग पे भी फोकस करें ऐप को बनाने के बाद। तो दोस्तों ये प्रोसेस रहता है किसी ऐप को बनाने का, पब्लिश करने का, मोनेटाइज करने का और मार्केटिंग करने का। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी ऐप हो, किसी भी कंपनी की ऐप हो, सारे यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि भाई अपनी ऐप खुद बनाने में फायदा है या फिर इन वेबसाइट्स के साथ ऐप बनाने में फायदा है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको खुद ऐप बनाना आता है तो आपको जो अपना रेवेन्यू है शेयर नहीं करना पड़ेगा इन वेबसाइट वालों के साथ। पर अगर आपको ऐप बनाना नहीं आता तो आप वेबसाइट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, या आपको 50% शेयर कर रहे हैं आपसे रेवेन्यू, तो ये भी कुछ बुरा नहीं है। आपके पास कुछ आ ही रहा है, कुछ जाएगा नहीं, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप जो हमारी कोशिश थी आपको कुछ नया बताने की, समझाने की, वो पूरी हुई होगी। इसके अलावा बता दूं कि ये जो तीन वीडियोस है ऐप मेकिंग की, इसकी आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के मैं दे दूंगा, तो अगर आप बाद में देखना चाहते हैं तो आप वहां पे हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन कम समय में पता लग पाए, राइट। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।